हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा प्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं सीएसएस को लेके कॉन्सेप्ट की। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है, हमने पैडिंग के कॉन्सेप्ट को देखा था, और उसके पहले तो हमने काफी अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बात की, टाइप्स ऑफ सीएसएस के बारे में हमने बात की है, ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ पर देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसएस, एंड दैट इज कॉल्ड मार्जिन। कि यदि आपको दो बॉर्डर या दो टेक्स्ट के बीच में मार्जिन सेट करना है, या एग्जैक्टली मार्जिन होता क्या है, तो अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी पिक्चर यहाँ पे शो करता हूँ। कि सपोज अगर आप इस तरीके से कोई एक टेक्स्ट डिजाइन कर रहे हैं, जहां पर आपको अपने दो टेक्स्ट में बॉर्डर भी चाहिए, ठीक है, बट ये जो स्पेस होती है, मतलब दिस इज द स्पेस बिटवीन दिस टू, है ना, ये जो स्पेस है, ओके, या इसको हम बोले लेफ्ट से ये स्पेस है या राइट से ये स्पेस है, तो ये जो स्पेस कहलाती है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड मार्जिन। कि आपके इस टेक्स्ट बॉक्स की टॉप से जो स्पेस है, या इसके लेफ्ट से स्पेस है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ मार्जिन, या इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इसकी टॉप से लेकिन इसकी बॉटम से, तो ये जो स्पेस कहलाती है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड मार्जिन। तो यदि आप कोई इस तरीके की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप देखिए, मैं इसको प्रैक्टिकली अगर आपको बताता हूं, तो यहां पर हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और मैंने इसका नाम रखा टेस्ट मार्जिन, सॉरी टेस्ट मार्जिन डॉट html, ठीक है। एंड हियर हमें कुछ बेसिक टैग्स चाहिए html के, तो ये मैं पैडिंग से उठा लेता हूं। इफ यू रिमेंबर, हमने पैडिंग में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपने लास्ट मेरा लेक्चर अटेंड किया है, तो आपको मार्जिन बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूल वही है। तो हालांकि मैं इसको पूरा डिलीट करता हूं, क्योंकि हम नए तरीके से फिर से नई क्लास बनाएंगे। मुझे केवल बेसिक टैग्स चाहिए, जो अपने बेसिक टैग्स होते हैं HTML के, ठीक है, दिस इज व्हाट, और इसको हम दे देते हैं पैडिंग डेमो की जगह मार्जिन डेमो, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब अगर मुझे यहां पर सपोज मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूं, तो ये मैं यहां से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिया पहले बॉक्स के लिए, पहले मैं फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूं, देन वी विल टॉक अबाउट द सेकंड वन। तो ये मेरा कुछ टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट पे सबसे पहले तो मुझे बॉर्डर लेनी है, ओके, तो यहां पर आप देखिए दो अलग अलग टेक्स्ट है, जिस पर हमें दो अलग अलग बॉर्डर लेनी है। तो मान लो ये मेरा पहला टेक्स्ट है और ये मेरा सेकंड टेक्स्ट है, ठीक है, सपोज मैं यहां से ले लेता हूं, दिस इज माई सेकंड टेक्स्ट, ओके। तो ये दो अलग अलग टेक्स्ट है हमारे पास, और इन दोनों टेक्स्ट पे हमें बॉर्डर चाहिए सबसे पहले, है ना, इन द फर्स्ट स्टेप वी नीड बॉर्डर इन दिस बोथ द टेक्स्ट, ओके। तो यदि मुझे इस पे बॉर्डर चाहिए, तो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट, या तो मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, है ना, स्टाइल के थ्रू, या हम आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब सीएसएस स्टाइल या सीएसएस क्लास और सीएसएस आईडी, ये हम लोगों ने देखा था। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, तो मैंने पहली क्लास यहाँ पे ली सपोज डिस्प्ले वन के नाम से, ठीक है, दिस इज माई डिस्प्ले वन क्लास, और इस डिस्प्ले वन क्लास में हमने सबसे पहले बॉर्डर सेट की, ठीक है, कि हमने दे दिया बॉर्डर इक्वल टू मान लो 2 pixels, ठीक है, और देन विल टॉक अबाउट बॉर्डर स्टाइल, तो ये हमने दे दी सपोज डबल, एंड देन बॉर्डर कलर, सपोज इसका पहले का कलर दे दिया मैंने ब्लैक, ओके। एंड सिमिलर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया, इसलिए क्योंकि मुझे दो अलग अलग, या देखिए आप जो मैंने पिक्चर में आपको बताया, ठीक है, कलर चेंज होंगे, लेकिन दो अलग अलग बॉर्डर चाहिए हमें, है ना, मुझे इस पर बॉर्डर अलग चाहिए, मुझे इस पर बॉर्डर अलग चाहिए, तो इसीलिए हम दो अलग अलग क्लास बना रहे हैं। तो एक का नाम हमने डिस्प्ले वन रख दिया, और इसका नाम मैंने डिस्प्ले टू रख दिया, इसको हम डबल देते हैं, लेकिन कलर चेंज कर देते हैं, तो इसका कलर मैंने कर दिया सपोज ब्राउन, ठीक है, दिस इज ब्राउन कलर, ओके। तो अब हमारा जो पहला टेक्स्ट है, यहां पर हमने डिविजन टैग लिया, दिस इज डिविजन, ठीक है, और इस डिविजन टैग में क्लास इक्वल टू डिस्प्ले वन, ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया यहां पे स्लैश डिवीजन, ठीक, और ये हमने लिया हमारा सेकंड डिवीजन टैग यहां से अगेन डिवीजन, ठीक है, और यहां पर मैंने ले ली क्लास डिस्प्ले टू, ठीक है, दिस इज माय सेकंड क्लास डिस्प्ले टू के नाम से, और इसको हमने क्लोज कर दिया यहां पे, ठीक है। सो ये मेरे दो अलग अलग अभी बॉर्डर मुझे दिखेगी, डिस्प्ले वन और डिस्प्ले टू, हालांकि हमने साइज सेम रखी हुई है, तो लेट्स सी। लेकिन आप देख रहे हैं, जब ये दो बॉर्डर आ रही हैं, तो यहाँ पे ना लेफ्ट में स्पेस आपको दिख रही है, ना राइट में हमें स्पेस दिख रही है, राइट, और ये बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये दिस आर द टू अटैच्ड एक्चुअली बॉक्सेस। तो यहां अगर मुझे मार्जिन चाहिए, इफ आई वांट टू सेट द मार्जिन इन बिटवीन दिस टू डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स, तो यहां पर हम यूज करते हैं मार्जिन के कॉन्सेप्ट को। तो अब यहां पर आप देखिए, मार्जिन हम किस तरीके से यूज करेंगे, मतलब हाउ वी कैन यूज मार्जिन।
तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, दो तरीके हैं। याद है, एक तो हमने शॉर्ट हैंड पढ़ा है, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले मुझे जो फर्स्ट वाला है उसमें मार्जिन सेट करना है बॉटम से, ठीक है। तो मान लो मैंने बोल दिया मार्जिन, चलिए हम सीक्वेंस में चलते हैं। तो आपको याद है पैडिंग के टाइम मैंने आपको एक क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले हम मार्जिन सेट करते हैं टॉप का। तो हमने लिख दिया मार्जिन टॉप, सपोज ये मार्जिन टॉप मैंने रख दिया 10 पिक्सल, ठीक है। एंड देन विल कॉट टॉप के बाद राइट, तो हमने लिख दिया मार्जिन राइट, ठीक है। मार्जिन राइट हमने कर दिया सपोज अगेन दिस इज 15 पिक्सल, ठीक। एंड देन हमने लिया बॉटम, तो हमने लिख दिया मार्जिन बॉटम, सॉरी मार्जिन बॉटम, तो ये बॉटम मार्जिन हमने सेट कर दिया सपोज 30 पिक्सल फर्स्ट का। ओके, आई एम सेटिंग दिस मार्जिन फॉर द फर्स्ट, तो आप किसी एक के लिए, अगर सेकंड के लिए भी सेट कर देंगे, अगर एक के लिए समझ में आ गया तो टॉप हो गया, राइट हो गया, बॉटम एंड देन लेफ्ट, तो हमने लिख दिया मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट सपोज मैंने सेट कर दिया 20 पिक्सल, ठीक है। तो नाउ इफ आई एम गोइंग टू सी द इफेक्ट आफ्टर सेट मार्जिन इन दिस क्लास, तो अब जो पहला वाला बॉक्स होगा आपका, अब देखिए उस पर हमें इसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। सी दिस वन, ये लेफ्ट से आपको मार्जिन दिख रहा है, मैं एक एक करके यहां पर अभी बताता हूं आपको, है ना। सबसे पहले अपन लेफ्ट की बात करते हैं, तो अभी मैं तीनों को हटा देता हूं। ये मैंने सीक्वेंस में इसलिए लिखा है क्योंकि शॉर्ट हैंड जो इसका बनेगा वो इसी सीक्वेंस में बनेगा, कि व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट शॉर्ट हैंड फॉर दैट, तो ये शॉर्ट हैंड हम इसी सीक्वेंस में बनाएंगे। लेकिन आप देखिए, मैं अभी इसको रन करता हूं, तो ये लेफ्ट से मार्जिन मुझे दिख रहा है, लेकिन अब मुझे राइट से भी मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो हमने यहां पे अभी जो लिखा इसमें हम राइट ले लेते हैं, टॉप हटा देते हैं, ठीक है। टॉप मैंने हटा दिया और बॉटम मैंने हटा दिया, राइट। तो अब मुझे जो मार्जिन दिखेगा वो राइट और लेफ्ट से दिखेगा, एक साथ लिखने के बजाय हम वन बाय वन देखते हैं इसको। तो आप देखिए, नाउ सी दिस वन, ये मार्जिन राइट साइड से आप देख पा रहे हैं। सिमिलरली अब मुझे बॉटम से मार्जिन चाहिए, तो बॉटम के लिए हमने यहां पे ये ले लिया मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो मार्जिन बॉटम हमने कर दिया सपोज 30 पिक्सल, ठीक। तो आफ्टर दैट इफ आई एम गोइंग टू सी द इफेक्ट, ये देखिए अब इन दोनों में आपको दिख रहा है देयर इज अ गैप बिटवीन दिस टू, तो दिस इज बिकॉज मैंने फर्स्ट वाले बॉक्स का मार्जिन सेट कर दिया है, ठीक है। तो अगर ये मार्जिन आपने सेट कर दिया, तो नाउ यू विल सी दिस वन, ये आपको स्पेस दिख रही है 30 पिक्सल की हमने मार्जिन दिया इसमें, और सेम वे में हमने सेट कर दिया राइट बॉटम लेफ्ट, तो यहां पर हम सेट कर देते हैं टॉप का। तो मैंने ऊपर लिख दिया मार्जिन टॉप, और टॉप से हमने मार्जिन सेट कर दिया अगेन 20 पिक्सल, ठीक है। तो अगर आपने टॉप से मार्जिन सेट किया है 20 पिक्सल, सो दैट यू विल गेट, ये देखिए आपके टॉप से भी आपको स्पेस दिख रही है। सो दिस इज हाउ टू सेट मार्जिन फॉर अ बॉक्स। तो यहां पर अब आप समझिए कि ये तो अभी मैंने चारों प्रॉपर्टी को चार अलग अलग लाइन पे लिखा हुआ है, लेकिन जैसे हमने शॉर्ट हैंड पढ़ा है, तो वी ऑल्सो सेट द शॉर्ट हैंड फॉर दिस मार्जिन। तो अगर मैं इस मार्जिन के लिए शॉर्ट हैंड सेट करूंगा, तो इसका शॉर्ट हैंड किस तरीके से होगा, सेम क्लॉकवाइज टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो आप देखिए टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इसी सीक्वेंस में मैंने लिखा है, तो इसके शॉर्ट हैंड को हम लिख देंगे मार्जिन कॉलन टॉप से डिफरेंस कितनी हमारी 20 पिक्सल, ठीक है। देन 15 पिक्सल, ये 20, दिस इज 15 पिक्सल, ठीक है। देन दिस इज 30 पिक्सल, ये हमारी बॉटम से स्पेस हो गई और लेफ्ट से हमारी स्पेस है 20 पिक्सल। तो नाउ रादर देन राइटिंग दिस 4, मैं अगर एक ही स्टेटमेंट ये लिखता हूं, सो भी मेरा मार्जिन वैसे ही सेट होगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं अभी, अगर सो सेट यू विल नॉट गेट एनी इफेक्ट इन दैट, राइट। कि अब जो आपको इफेक्ट दिखेगा ब्राउजर पे वो भी सेम दिख रहा है, देखो आप, क्योंकि अब हमने जो मार्जिन सेट किया है वो शॉर्ट एंड से सेट कर दिया। और सिमिलर मार्जिन अगर मैं यहां पर भी सेट कर देता हूं, ठीक है, इफ आई सेट द मार्जिन टॉप, ठीक है, यहां पर मैंने टॉप से मार्जिन सेट कर दिया, यहां पर भी अगर मैंने डिस्प्ले 2 में इफ आई सेट द मार्जिन इन द सेकंड डिस्प्ले फंक्शन, सो दैट यहां पर भी आपको मार्जिन सेम फॉर्मेट में मिलेगा। लेकिन यहां पर मार्जिन सेट करने के लिए अगर मान लो हम शॉर्ट एंड लेते हैं, राइट, तो यहां पर मैंने मार्जिन सेट कर दिया, ओके। एंड देन आफ्टर अब मैं सेकंड पे इसका इफेक्ट देखता हूं, तो अब देखिए ये सेकंड पे भी मुझे इफेक्ट कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, टॉप लेफ्ट, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मान लो यहां पर आप एक तीसरा टेक्स्ट लेते हैं, सपोज मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, इफ आई एम गोइंग टू सी द, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है।
और यहाँ पर अगर मान लो हम एक डीसी क्लास बनाते हैं डिस्प्ले, चलो डिस्प्ले टू का ही इफेक्ट मुझे तीसरे पे भी चाहिए, तो नाउ यू कैन सी दिस वन। अब आपके हर टेक्स्ट बॉक्स में आपको प्रॉपर मार्जिन एक जैसा दिखेगा, देखिए आप। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कि वी सेट द मार्जिन बिटवीन दिस टू बॉर्डर, कि आपने जितने भी आपने लेफ्ट से प्रॉपर मार्जिन सेट किया है राइट से, तो मार्जिन हम हमेशा इसलिए देते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको शो हो। और जैसे हम बात ही कर रहे हैं सीएसएस को लेके, कि सीएसएस इज बेसिकली यूज्ड टू मेक योर पेज इंटरैक्टिव एंड डायनामिक, कि आपको अगर अपने पेज को इंटरैक्टिव बनाना है, लुक एंड फील प्रॉपर चाहिए, यूजर फ्रेंडली बनाना है, सो द बेस्ट ऑप्शन यू कैन यूज दिस सीएसएस, जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डे वन से, कि जब से मैं आपको सीएसएस पढ़ा रहा हूं मैं आपको एक ही बात कर रहा हूं कि दिस इज ओनली टू मेक योर पेज गुड इन लुक एंड फील। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको मार्जिन का समझ में आया है कि किस तरीके से हम अपने पेज पे मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन सेट करने के दो ऑप्शन है आपके पास, इधर यू शुड गो फॉर दिस शॉर्ट हैंड, और या फिर हम यूज कर सकते हैं मार्जिन का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया था। मार्जिन कहां से शुरू करना है, टॉप 20 pixels, ठीक है, देन राइट। तो आप ये तो आई होप आपको समझ में आएगा कि जैसे घड़ी चलती है बस उसी तरीके से आपका मार्जिन चलेगा, ठीक है। एंड देन मार्जिन टॉप राइट बॉटम, ये हमने ले लिया मार्जिन बॉटम, ठीक है, बॉटम में हमने दे दी मान लो 30 pixels, और लास्ट वन इज लेफ्ट, तो ये हमने लिख दिया मार्जिन लेफ्ट, सपोज ये है 25 pixels, जो भी आपने वैल्यू दी है। तो या तो आप ये चार स्टेटमेंट लिखें, और यू शुड गो फॉर दिस वन स्टेटमेंट, या तो आप ये वन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ टू सेट मार्जिन इन अ ब्राउजर फॉर अ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट नहीं, आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, जहां भी आप मल्टीपल बॉर्डर को लेकर टेक्स्ट डिजाइन कर रहे हैं, सो दैट यू कैन सेट मार्जिन फॉर दैट। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं अपने पेज पे। अगर आप इसको किसी फॉर्म पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो सेट दिस सेम मार्जिन फॉर द फॉर्म ऑल्सो, कि बॉर्डर किस तरीके से सेट करना है। ठीक है, ये मैंने आपको अलग अलग सी एस एस के टाइप भी बताए थे, हमने सिलेक्टर पढ़े थे, ठीक है, सिलेक्टर में हमने बात की थी क्लास सिलेक्टर की, आई डी सिलेक्टर की, ओके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देखे, टैग सिलेक्टर की टाइट, तो राइट। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, प्लीज इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ रन करके देखिए, तो मजा आएगा आपको प्रैक्टिकल करने में, क्योंकि इसके बाद जब हम हमारी एक वेबसाइट बनाएंगे खुद कोड लिख के, तो उसका एक अलग ही मजा होगा। और तब तक के लिए आपको इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मजबूत रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही सीएसएस के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए इस कोर्स में, और अगर वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए इस कोर्स में, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।